वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों इस लेक्चर इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की जो पुणेकर की जो बुक आती है 2022 की लेटेस्ट वाली, तो उसका मैं रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें मध्य प्रदेश प्रतियोगिताओं हेतु मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय की बुक है। इसमें आपको एक एटलस मैप, जिसका एटलस मैप मानचित्र अध्ययन जो मध्य प्रदेश के जो मैप वाइज होते हैं वो भी दिया जाएगा आपको फ्री। ये 2022 की, ये देखिए एमपीजी के 2022 लिखा हुआ है। तो इस बुक का दोस्तों मैं रिव्यू करने वाला हूं, इस बुक का रिव्यू करने वाला हूं। ये अच्छी बुक है काफी, जो वन डे एग्जाम जितनी भी जैसे व्यापम द्वारा, पीईबी द्वारा, एमपीपीएससी और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अत्यंत उपयोगी है ये बुक। और यहां पे देखिए लिख रखा है कि हर टॉपिक की बुक आती करके बताया गया है। ये बुक 240 रुपए की है और मार्केट में आपको 20% डिस्काउंट कर मिल जाएगी दोस्तों। तो देखिए ये बुक मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये बुक जो लोग नहीं देखे हैं या खरीदने वाले हैं तो आप ये रिव्यू को देख लीजिए, उसके बाद खरीदिए। देखिए सामने ये लिखा हुआ है और यहाँ पे सामने ये है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये देखिए दोस्तों विषय सूची दी रखी है, तो देखिए चैप्टर वाइज सारे लेक्चर दिए हुए, चैप्टर दिए हुए हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज। इसका मतलब इस बुक में 33 चैप्टर दिए हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी बजट भी दिया हुआ है इसमें 2021-22 का। तो ये पूरे चैप्टर आपको इस बुक में मिलेंगे दोस्तों। देखिए जैसे चैप्टर आप देख सकते हैं, ये पूरे चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जो काफी वन डे एग्जाम जितनी भी पीईबी की एग्जाम होती है, वन डे एग्जाम पुलिस कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट आने वाली है अभी पटवारी, ये सब में काम आएगा दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए राज्य की चिन्ह के बारे में यहाँ पे प्रदर्शित किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। ये नंबर वन चैप्टर नंबर पहला है विविध समसामयिक की के बारे में यहाँ बता दिया गया है, 3-4 पन्ने में लिख रखा है काम काम का इंपॉर्टेंट वाला। और ये चैप्टर नंबर टू है जिसमें प्रमुख अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान दिया हुआ है। देखिए ये देख सकते हैं आप, ऐसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है दोस्तों, जो वन डे एग्जामों में काम आता है, जो फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए प्रमुख संगठन संस्थाओं के कार्यालय व मुख्यालय दिए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है, 2-3 पन्ने में लिख रखा है इसके बारे में। ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऊंचा नीचा ये बताया गया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व उनके स्थानों के उपनाम ये बताया गया है। ये प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम व उपाधियां दिए हुए हैं। तो ये हमको ये पढ़ने से नॉलेज हो सकता है काफी अच्छा। देखिए मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय 5वें नंबर में चैप्टर दिया हुआ है, देखिए देख सकते हैं आप 5वें नंबर का चैप्टर है यहाँ पे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति है, ये 6ठे नंबर का चैप्टर है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर वाइज दिया है दोस्तों। देखिए भौगोलिक स्थिति विस्तार ऐसे चैप्टर वाइज दिया हुआ है, नदियां, मिट्टी, परियोजना, ये तो ये बुक अच्छी है, वन डे एग्जाम में काम आती है बिल्कुल भी। याली बुक हर किसी के पास रहती है। देखिए जलवायु का चैप्टर है, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये खनिज, ऐसा करके आप देख सकते हैं इसमें पूरे चैप्टर दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये मैं इस लेक्चर में ये बुक का रिव्यू कर रहा था कि इस बुक में कैसे दिया हुआ है, जिससे आपको जानकारी मिल सके। अगर आपको ये बुक पसंद आती है तो आप मार्केट में जाके कोई भी स्टोर्स में मिल सकती है, बुक स्टोर्स में आप ले सकते हैं। आखिरी में कुछ क्वेश्चन भी दे दिए हैं जो पुराने पूछे गए हैं, तो ले सकते हैं। अब आप काम की बात है दोस्तों, अब काम की बात, इसके साथ में एक एटलस भी आता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये एक एटलस दिया हुआ रहता है, एक एटलस आता है इस बुक के साथ। ये देखिए इसमें 10 संभाग और जिले दिए हुए हैं, मैप वाइज कवर किया गया है, जैसे मध्य प्रदेश की मिट्टियां कहाँ कौन सी पाई जाती है ना, ये पठार वठार वाली चीजें दी गई है, जलवायु, ये मध्य प्रदेश की नदियों का मैप दिया हुआ है। देखो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख सकते हो आप, है ना। तो मैं अब जानकारी की बात बताने वाला हूँ आपको कि ये जो बुक है दोस्तों, ये जो बुक है ये पूरी बुक मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरी बुक मैं पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे जितने भी चैप्टर यहाँ दिए हुए 33 चैप्टर, ये 33 चैप्टर पूरा पीडीएफ बना के पढ़ाने वाला हूँ। और जो लेक्चर होगा उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा काई की पीडीएफ की, है ना। तो ये पूरे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल कंटिन्यू लेक्चर आएंगे यहाँ पे। जितना ये बुक में जो जो टॉपिक लिख रखे हैं, जो जो लिख रखा है, ये पूरा पीडीएफ के माध्यम से मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा आप लोगों के लिए, और ये पूरा मैप भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसके पहले मैंने एक बुक पढ़ा चुका हूं दोस्तों, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, मध्य प्रदेश तथ्यात्मक हिंदी ग्रंथ अकेडमी की एक बुक आती है, वहां के प्रोफेसर ने वो बुक लिखी थी, तो वाली बुक को मैंने वो कंप्लीट करा दिया पूरा। लेकिन अब पुणेकर को कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि वाली बुक हर किसी के पास रहती है दोस्तों। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था इस लेक्चर के माध्यम से कि मैं ये पूरा चैप्टर यहां पर पूरी बुक ही पढ़ाने वाला हूं पूरी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कैसा पढ़ाता हूं आप जाके एक दो लेक्चर देख लीजिए। आप बिना देखे ही कमेंट ना करें दोस्तों, पहले एक दो लेक्चर देख लीजिए मैं कैसा पढ़ाता हूं। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं ये पुणेकर बुक का रिव्यू भी किया, और ये पूरी बुक मैं पढ़ाने वाला हूं मेरे इस चैनल में। इसलिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।